गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक पांडे एक बार पुनः केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हो, लेखपाल भर्ती 2020 की परीक्षा की तैयारी आप लोगों की चल रही है। केपी क्लासेस की टीम आपके प्रति पूरी तरह से समर्पित है। थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम हो गया था। जो भी बच्चे फेसबुक के माध्यम से जुड़े होंगे, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे तो उनको सूचना मिल गई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पुनः आपके बीच उपस्थित हो चुका हूँ प्रयागराज में। अब 10 दिन तक आपकी क्लास लगातार रहेगी, फिर 2-3 दिन आपकी क्लासेस मिस हो सकती हैं। आगे कंटिन्यू क्या होगा देखा जाएगा। ये आपदा की घड़ी सबके सामने आती है। तो मेरे सभी स्टूडेंट ध्यान दें, हम आपके 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, नंबर सिस्टम और एलसीएम एससीएफ। मेरे प्यारे बच्चे, नंबर सिस्टम और एलसीएम एससीएफ आपका कंप्लीट हो चुका है। आज के टॉपिक में हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से लेखपाल भर्ती परीक्षा, एसएससी, यूपीएसआई, मतलब कि आप कोई भी एग्जाम की शुरुआत करोगे। और इस टॉपिक की शुरुआत हम एकदम बेसिक लेवल से करेंगे। रेशियो क्या है, कितने टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, मेथड क्या है, इसी प्रकार से हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अब आप सभी बच्चे ध्यान देंगे, अनुपात और समानुपात में बहुत पार्ट होता है। हम इनको पार्ट वाइज बिल्कुल लिखते रहे कि कितने पार्ट इनको पढ़ेंगे। पहला तो प्यारे स्टूडेंट आप समझ लेंगे, जो पहला पार्ट होगा, पहला लेवल बिल्कुल बेसिक होगा। बेसिक क्या होगा? बेसिक। मेरे प्यारे स्टूडेंट, दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो दूसरे में हम क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन आप लोग सुने होंगे कि एक बैग में कुछ सिक्के हैं, 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे की, क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन। तीसरा हम आपको बताएंगे, तीसरा प्यारे बच्चों होगा इनकम, जो आय पर होता है, इनकम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इनकम में भी आपका जानते हो एक एक्सपेंस होता है और उसके बाद एक सेविंग होता है। ठीक है, एक्सपेंस और सेविंग बेस्ड क्वेश्चन इनकम। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, चौथी पॉइंट आपको पढ़ाएंगे मिक्सर। मिक्सर को जानते ही हो, हिंदी में कहा जाता है मिश्रण, मिक्सर बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे एलिगेशन, इसी में एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन। फिर इसी में पढ़ाएंगे पार्टनरशिप, इसी में आपको पढ़ाया जाएगा पार्टनरशिप। ठीक है, फिर इसी में हम आपको पढ़ाएंगे प्यारे दोस्तों एज। तो इतना पार्ट आपको पूरा रेशियो में पढ़ना है। अब इनके भी आपको भिन्न भिन्न पार्ट होते हैं, तो इस पूरे पार्ट को देखने के लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा, निश्चित रूप से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप यही एक काम करिएगा कि वीडियो को पूरा देखा करिए और कुछ नहीं करिए। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप शेयर भी करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। 2-3 दिन बाद जल्दी ही, जैसे ही आप लोग के पूरे परिवार 1000 हो जाएंगे, विवेक सर आपके सामने लाइव एकदम मुखाबिद होंगे। आप देखते रहिएगा केपी क्लासेस का यूट्यूब चैनल। चलिए तो इसको उम्मीद करते हैं नोट कर लेंगे। तो पहली हेडिंग बनाएंगे बेसिक। बेसिक क्या होता है? बहुत जरूरी होता है मेरे प्यारे बच्चों आपको सीखने के लिए। जब तक आपका बेसिक नहीं क्लियर होगा, कुछ काम नहीं हो सकता है बिना बेसिक के। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, बेसिक आप लोग बहुत जरूरी क्लियर करिए। ठीक है, जैसे हम आपसे बात करें कि रेशियो क्या होता है, हेडिंग बनाए सभी बच्चे रेशियो, अनुपात। सभी स्टूडेंट हेडिंग बना लें रेशियो, अनुपात क्या होता है, अनुपात क्या होता है।
देखिए अनुपात का मतलब ही होता है कि किसी भी शब्द को या दो से, अब देखिए डिफिनेशन मैं लिख के समझा दे रहा हूं, दो या दो से अधिक राशियों को, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक राशियों, दो या दो से अधिक राशियों को, दो या दो से अधिक राशियों को संख्या सरल तरीके, संख्या का मान सरल तरीके से हो, सरल तरीके से हो, वही अनुपात कहलाता है, वही अनुपात कहलाता है, वही अनुपात कहलाता है, वही अनुपात कहलाता है, या जो भाग के संबंध के रूप में, या दूसरे शब्द में भी कह सकते हो, दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में कहा जाए, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अनुपात को या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अनुपात को भाग के संबंध के रूप में प्रदर्शित करते हैं, अनुपात को भाग के संबंध, भाग के संबंध के रूप में, के रूप में प्रदर्शित, के रूप में प्रदर्शित करते, यही आपका प्यारे बच्चे क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। ध्यान से समझे, दो या दो से अधिक राशियों को संख्या का मान सरल तरीके से ही, वही आपका अनुपात कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अनुपात को भाग के संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, भाग के संबंध, भाग के संबंध के रूप में प्रदर्शित करते हैं, वो भी आपका प्यारे बच्चे क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। ठीक है, अब जैसे आप एग्जांपल देखेंगे, जैसे हम कहते हैं 25:35 है ना, 25:35, अब इसी का चिन्ह होता है, जो लगा हुआ है ना इसी का चिन्ह होता है। अब अनुपात को आपको सरल से सरल तरीका में लिखना है। अब इसको आप जानते हो कि 5×25 हो जाएंगे, 5×7=35 हो जाएगा, तो 5 कितना जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आप ध्यान देंगे, 2.5 है और रेशियो 3.5 है, 2.5 है और रेशियो 3.5 है। अगर इसको भी आप डिवाइड करोगे 2.5 3.5 तो सीधे सीधे आपका 5 कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, हम आपसे बात करें, जैसे देखिए 1/2 और रेशियो 1/3 ऐसे आ जाता है, तो ऐसे में क्या हो जाता है, ऊपर सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि इसका एलसीएम ले लेंगे 6, तो ये 2×3=6 और 3×2=6, 3:2, और चाहे आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। तो कुछ एग्जांपल ये हैं आपके रेशियो के, उम्मीद करते हैं कि रेशियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए आपको इसी रेशियो पर हम बेसिक क्वेश्चन से आपकी शुरुआत करते हैं, और आप उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे को समझ में आएगा और आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएंगे। ठीक है, जिसको आसानी से आप समझ सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो सभी स्टूडेंट कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं और चीजों को लेते जाएंगे।
आज हम आपको बहुत अच्छे अच्छे पार्ट सिखाएंगे, बहुत बेसिक सर कॉन्सेप्ट रहेगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो चलिए आप हेडिंग बना लीजिए पार्ट ए। अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में भी मैं प्यारे बच्चे आपको बता दूं कि कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे बेसिक से, ठीक है। बोर्ड ब्लैक तो नहीं आ रहा है। बेसिक से ही आपके प्यारे बच्चे कम से कम 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे और एक एक प्रकार आप लोग लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे, ठीक है। चलो हेडिंग बना लेंगे। पहला टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट या पार्ट ए, टाइप ए, जो आपकी इच्छा हो आप उसको बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जैसे मेरे प्यारे बच्चे आप ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, इस प्रकार के पहला एग्जांपल आता है, जैसे देखिए ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 और बी रेशियो सी इक्वल टू 2:3। यहां से आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन ए रेशियो आपसे सी पूछ लिया और यहां पे मैं पूछ रहा हूं कि ए रेशियो बी रेशियो सी, 2 क्वेश्चन यहां से बनेगा। प्यारे बच्चे अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, बी रेशियो सी इक्वल टू 2:3। ए रेशियो सी की बात किया है तो मेरे प्यारे बच्चे ए रेशियो सी में ध्यान दीजिएगा, इसका इसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 2 = 4। उसके बाद सिमिलरली आप ध्यान देंगे तो यहां पर भी इसका इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3×3 = 9। तो ए रेशियो सी की वैल्यू कितना आ गई मेरे प्यारे बच्चे, 4:9, जिसको आप आसानी से कर सकते हो 4:9। आपका ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू पूछी गई है, यहां से बच्चे आप ध्यान देंगे कुछ नहीं करना है। देखिए ए बी की वैल्यू दी गई है 2:3, बी सी की भी वैल्यू दी गई है 2:3, है ना। अब एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो यहां पर नहीं होगा इसके बगल वाला पार्ट यहां लिख दीजिएगा, जो यहां नहीं होगा इसके बगल वाला पार्ट यहां लिख दीजिएगा, कुछ मत करिए। 2×2 = 4, 3×2 = 6 और 3×3 = 9। आपका प्यारे बच्चे आंसर आ गया 4:6:9। बस कुछ नहीं करना है, बहुत सरल तरीके से आपको काम करना है। इन्हीं बेसिक पार्ट का आपको मैं बता दूं कि आप बड़े से बड़े क्वेश्चन में आप देखोगे जो कि आपको सॉल्व करने में बहुत सहायता मिलेगा, ठीक है। यही बड़े से बड़े पार्ट क्वेश्चन, इनको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो प्यारे बच्चे, ध्यान देंगे। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी है, आप ध्यान दीजिए ए 2:3 प्यारे बच्चे कितना है 3 और 2:3 कितना है 3, तो आप इनका देखिए 2×2 = 4, कुछ लोग इस तरह से करेंगे 2×3 = 6 और 3×3 = 9। तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपका फर्स्ट था, ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट है। अगर इसको भी नहीं कर सकते हो तो आप तीसरे तरीके से कर सकते हो, थर्ड कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ध्यान दें 2:3 है और 2:3 क्या कर देंगे 3 है। यहाँ पे थर्ड कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है, सीधे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2×2 = 4 और 2×3 = 6 और 3×3 = प्यारे बच्चे क्या 9। तो आप इससे भी कर सकते हो, उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी तरीके से करिए, किसी भी तरीके से करिए, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा कि कोई भी मेथड यूज करिए, ये फर्क नहीं पड़ता। कुछ बच्चे होंगे क्या कि तीनों मेथड लगा देंगे, नहीं मेरे भाई, तीनों मेथड आपको नहीं लगाना है, एक ही मेथड लगाना है, क्योंकि आंसर आपको तो सेम आ रहे हैं ना, टाइम जाएगा। तो एक मेथड आप लगाएंगे कोई भी, चाहे आपको ये पसंद आया होगा, चाहे ए आया होगा, चाहे ए आया होगा। आज इसमें ढेर सारे क्वेश्चन आप लोग करोगे, अभी ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी ई तक हम निकालना आपको सिखा देंगे, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिएगा, पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। तरीका बहुत सरल है और बहुत सहज है, अभी ये बेसिक पार्ट से ही जान लीजिए कि आपको बड़े बड़े क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे जो आपके एग्जाम के लेवल के हैं, बेसिक पार्ट से ही बनते हैं।
अगर बेसिक आपका मैथमेटिक्स में क्लियर है तो आप गणित का कोई भी स्टूडेंट होगा, गणित का कोई भी स्टूडेंट होगा वो निश्चित रूप से सॉल्व कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है, ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, बी रेशियो सी इक्वल टू 2:1, सी रेशियो डी इक्वल टू 2:3। ठीक है, हम आपसे यहां से कहते प्यारे बच्चे कि ए रेशियो सी की वैल्यू बताइए, सॉरी ए रेशियो डी की वैल्यू बताइए, और यहां से कहा जाए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान ज्ञात करिए। तो दो क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, यहां से आपके दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास का है दूसरा क्वेश्चन है, अच्छे से बेसिक क्लियर कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान देंगे, अब यहां से ए रेशियो डी निकालना है, ए रेशियो डी के लिए देखिए 3 + 1 = 3 = 9, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 × 2 = 4 × 8, तो प्यारे बच्चे कितना आंसर आ गया 8:9। कुछ करना ही नहीं है, ठीक है 8:9 आ गया, सीधे सीधे इनका प्यारे बच्चे आपको मल्टीप्लाई करना है बाकी रेशियो। अब ये भी आपको चेक करना है कि क्या रेशियो आपस में कट जा रहे हैं, क्योंकि रेशियो को आपको किस तरीके से लिखना है, सरल से सरल तरीके में लिखना है। नेक्स्ट ध्यान देंगे, अगला क्या है आपका बच्चे 2:3 2:1 है ना, या इसी में है, और उसके बाद 2:3 यहां से है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ध्यान दीजिए ऊपर में आपका क्या नहीं दिखाई दे रहा, 3 नहीं दिखाई दे रहा, 3 बराबर कर दीजिए, 1 नहीं दिखाई दे रहा, 1 कर दीजिए, यहां 2 नहीं है, यहां भी 2 नहीं है, यहां भी 2 नहीं है, आप इससे भी कर सकते हो। देखिए 2 × 2 = 4 × 8, 3 × 6 = 12, 3 × 6 = 3 = 9, तो आपका जो आंसर आ गया प्यारे बच्चे कितना आ गया 8:12:6:9। क्योंकि आप देखो तो ये आपका मान कट भी नहीं सकता है, यदि आप इनको काटना चाहते हो तो ये मान प्यारे बच्चे कट भी नहीं सकता। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये 9 है, बाकी तो 2 से कट जाएंगे लेकिन 9 2 से नहीं कटेगा, अब यहाँ पे 3 से नहीं कटेगा, बाकी तो कट जाएंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि रेशियो को सरलतम से सरलतम तरीके में लिखा जाता है, वही आपका रेशियो कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चे को समझ में आ रहा होगा आप सबको। ठीक है, नहीं आता है तो कमेंट में आप जरूर करके बताइएगा। अगला ध्यान दीजिएगा, अगर एक मेथड और इसका हम आपको सिखा दें, एक मेथड और देखिए, जैसे देखिए 2:3 है, 2:2 है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, 2:1 है ना, 2:3 है बच्चे, तो आप ध्यान देंगे आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, 2 × 2 = 4 × 8, 3, अब यहां पर देखिए 3 + 1 = 3 और 3 = 9, ऐसे लिख देंगे, फिर इसका यहां पर देखेंगे, इसका यहां मल्टीप्लाई, 3 × 6 = 12, ये रेशियो कितना हो जाएगा 12, अब इसका 3 + 1 = 3 और 3 × 6, तो आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप कौन से आपको समझ में आता है जो जल्दी हो और बेहतरीन हो, तो सबसे जल्दी और बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपका यही है, इसी से प्रयास करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे, अगला क्या है आपका, सिमिलरली इसी पैटर्न पे भी क्वेश्चन कराते हैं, चीजों को थोड़ा सा आप लोग समझिए, ठीक है, क्योंकि भागना नहीं है आपको, अच्छे से कराना है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ए रेशियो बी इक्वल टू 2:1, बी रेशियो सी इक्वल टू 2:1, सी रेशियो डी इक्वल टू 2:1 और डी रेशियो इक्वल टू 2:1। ठीक है, यहां से आपको काम क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है ए रेशियो ई की, और इधर वैल्यू फाइंड करनी है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई की, ये वैल्यू फाइंड करनी है। अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि मैं आपको ई तक सिखाऊंगा, और देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया कि आप ई तक चीजों को देख सकते हो।
अब यहाँ पे प्यारे बच्चे चाहे ई तक आ जाए चाहे एफ तक आ जाए, आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, दो दूनी चार दूनी आठ और दूनी सोलह, 16 रेशियो कितना आ गया 1, ये आपका राइट आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे को यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चीजों को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चे पर्सनली फोन करके बोलते हैं, पर्सनली मैसेज करते हैं कि सर नहीं आ पाता है कुछ समझ में, तो कमेंट किया करिए, कमेंट किया करिए, आपको चीजें बिल्कुल बताएंगे हम, क्योंकि कमेंट जब आपका फीडबैक देखेंगे तभी तो हम बताएंगे ना। यहां पर देखिए 2:1, सभी बच्चे यहां ध्यान दें, 2:1 और 2:1, कुछ करना ही नहीं है भाई, सीधे सीधे आपको पता है, यहां 2 नहीं इसके नीचे 2 कर दीजिए, यहां 2 नहीं है यहां भी लिख दीजिए, यहां भी लिख दीजिए, है ना, यहां भी नहीं है यहां भी लिख दीजिए, यहां भी लिख दीजिए, यहां भी लिख दीजिए, 12 1 नहीं है 1 लिख दीजिए, बस खत्म, कुछ करना ही नहीं है आप, बस फिनिश, मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा सीधा, 2 2 4 2 8 2 16 8 4 2 1, बस फिनिश, आपका आंसर आ गया 16:8:4:2:1, कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे प्यारे बच्चे आप इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे सरल कॉन्सेप्ट और इससे सरल तरीका कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और इसी बेसिक पे आपके टाइप फर्स्ट पे कराते हैं अभी, एक और क्वेश्चन और देखिए, केपी क्लासेस का डायरेक्टर सर का भी यही कहना रहता है कि बच्चों को पूरा पूरा 5 से 7 एग्जाम्पल समझाइए जिससे बच्चे पूरी तरीके से समझ लें, अभी नहीं कि क्वेश्चन करा के आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे डायरेक्टर सर भी कहते हैं कि नहीं ऐसा ना करिए, जल्दी जल्दी में भगाइए सिलेबस को, तो आप लोग आराम से पढ़िए क्योंकि केपी क्लासेस से पढ़ रहे हो आप लोग, ध्यान दीजिए। अगला क्या है, a:b = 5:4 और b:c = आपका है 3:2। प्यारे बच्चे यहां से आपको वैल्यू फाइंड करनी है, a:b:c की वैल्यू फाइंड करनी है, आपका है शायद 4th नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत छोटा है, लेकिन छोटा नहीं है, आप यकीन नहीं मानोगे, ये सब क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2018 में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन आपको यकीन नहीं होगा, आप उसको प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा तब मुझसे बताइएगा, क्योंकि हम तो आपके लिए कलेक्शन कर रहे हैं ना, एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर पेपर, लेखपाल भर्ती का प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे ही लाइव आएंगे वैसे ही पूरा आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। चलिए एबीसी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चे क्या करना है, 5:4 3:2, कुछ करना ही नहीं, इतना आसान तरीका आपके लिए क्या हो सकता है भाई, और 4 हो गया 3 हो गया, 5 3 15 4 3 12 4 2 8, बस सिंपल सी बात है, फिनिश भाई। ये देखिए मल्टीप्लाई 5 3 15 4 3 12 4 2 8, तो कहने का मतलब आप सरल से सरल तरीका से कर सकते हो, आपको प्यारे बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो ये बेसिक पार्ट आपका टाइप 1 बिल्कुल फिनिश होता है। अब हम आपको टाइप 2 बताते हैं कि टाइप 2 में आपके किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि 4 से 5 टाइप पढ़ना है बेसिक में, फिर आपको अलग अलग बेसिक कुल मिला करके आपका जो अनुपात की क्लास होगी वो 15 से 20 दिन की होगी, जो पूरा मैंने स्ट्रक्चर बनाया था स्टार्टिंग में एज तक पढ़ाने का, तो 20 से 25 क्लास पूरी होगी मेरे प्यारे बच्चे, तो अच्छे से आप लाइव आ जाएंगे तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी आपको सेकेंड पार्ट हम बताते हैं क्या है, तो आज आपका इस वीडियो में मैंने पार्ट फर्स्ट आपको कंप्लीट किया, तो इस वीडियो में आप फर्स्ट पार्ट पढ़िएगा, फिर आपका जब मैं सेकेंड वीडियो जाएगा आपको पोस्ट होगा तो उसमें सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। तो आज की क्लास बस इतना ही, बाकी फिर अगली मुलाकात हम लोगों की होती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग घर में रहिएगा, बाय बाय।